Hi everybody, today we are going to start our new chapter, timber, as it is in construction material. So let us start. Timber, what is timber? Timber क्या होता है, क्या है? जो लकड़ी होता है वो अगर engineering purpose के लिए use हो तो उसे हम लोग timber बोलते हैं. Timber obtained कहाँ से होता है? जो timber है ये obtained होता है जो ट्री होता है हमारा उसके ट्रंक से, ट्री के ट्रंक से. ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हेयर इट इज ट्री. ट्री पेड़ दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोजेनस और दूसरा होता है इंडोजेनस. एक्सोजेनस और इंडोजेनस में अंतर क्या है? एक्सोजेनस जो होता है वो ग्रो आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरह आउटवर्ड होता है, और उसका जो कंसिक्यूटिव रिंग होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फॉर्म होता है. ठीक है, एक्सोजेनस ट्री दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट, एक होता है हार्ड. ओके, सॉफ्ट वुड का एग्जांपल क्या है, कौन कौन है? कोयल हो गया, फिर हो गया देवदार, हो गया पाइन, ये सब हो गया. और हार्ड वुड में क्या है? बबूल, ओक. ओके, और इंडोजेनस में क्या होता है मेरा? इंडोजेनस ट्री में, इंडोजेनस ट्री वो होता है जो ग्रो होता है इनवर्ड, अंदर की तरह तरफ वो ग्रो होता है, और इसका फाइबर मास होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखा जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है बम्बू पाल्म. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टिम्बर. ये बेसिक है इसीलिए अच्छे से देखिएगा. स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले जो आउटर लेयर होता है, ये जो मेरा आउटर लेयर है ये हो गया आउटर बार्क. ठीक है, आउटर बार्क का काम क्या होता है? ये होता है प्रोटेक्टिव, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है. इसमें वुड फाइबर का सेल होता है, इसे हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, उसके बाद है मेरा इनर बार्क. ये है इनर बार्क, मतलब आउटर बार्क के बाद जो लेयर होता है कंजिक्यूटिव लेयर उसे हम लोग इनर बार्क बोलते हैं. ये होता है इनर स्किन कवरिंग द कैम्बियम लेयर. ये कैम्बियम लेयर को कवर किया रहता है और प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन किसको देता है? कैम्बियम लेयर को. कवर करेगा कैम्बियम को तो कैम्बियम को ही प्रोटेक्शन देगा. ठीक, इसके बाद जो ये डॉट डॉट वाला पोर्शन देख रहे हैं ये कैम्बियम लेयर है. ठीक है, कैम्बियम लेयर ये सैपवुड और इनर बर्क के बीच का जो लेयर होता है उसको हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं. कैम्बियम लेयर हमारा क्या दिखाता है? कैम्बियम लेयर हमारा दिखाता है सैप, जो कि सैपवुड में कन्वर्ट होने वाला है उसको वो सैप दिखाता है. ठीक है, ये यहाँ पे है, ये कैम्बियम है, कैम्बियम के बाद सैपवुड है. तो सैपवुड क्या करता है? सैपवुड में इन सैपवुड में क्या होता है? आउटर एनुअल रिंग होता है हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में. ठीक है, सैपवुड ये लिविंग सेल को कंटेन किए रहता है अपने में. ये लाइट कलर का होता है और लाइट वेट का भी होता है. ठीक है, सैपवुड के बाद ये सैपवुड है, सैपवुड के बाद जो आता है मेरा वो है हार्डवुड. हार्डवुड क्या होता है? जो इसके सैपवुड के बाद लेयर में जो एकदम क्लोज क्लोज जो रहता है यहाँ पर, ये है, ये सैपवुड है, ये हार्डवुड है. ये प्लिंथ, ये पिथ को सराउंडेड किया रहता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ट्री को. ठीक है, और क्वेश्चन में आया तो रिजिडिटी कौन देता है? तो वो हार्डवुड देता है. ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पिथ बोलते हैं, पिथ. ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये सेंट्रल में पाया जाता है और इसका डाया 1.5 से 10 mm वेरी करता है. ठीक है, और लास्ट था एक मॉड्यूलर रे उसमें. ठीक है, मॉड्यूलर रे का काम क्या होता है? ये एनुअल रिंग और हॉट वुड को होल्ड किए रहता है, एनुअल रिंग और हॉट वुड को होल्ड किए रहता है. ठीक है, और एक रिंग हर एक साल ऐड होते जाता है. तो अगर हमें पेज का, अगर मेरे पास कोई पेड़ है उसका अगर हम लोग को अगर बोले कि एज फाइंड करो, तो एज कैसे फाइंड होगा? एज फाइंड होगा मेरा एनुअल रिंग का नंबर, जितना एनुअल रिंग है वो काउंट करके. ठीक है, जितना एनुअल रिंग होगा उतना एज होगा उस पेड़ का. ओके, अब नेक्स्ट से हम लोग देख लेते हैं डिफेक्ट कितने तरह से होता है. डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट, डिफेक्ट ड्यू टू नेचर फोर्स, डिफेक्ट ड्यू टू
रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन में सबसे पहला होता है मेरा चिप मार्क, मार्क या साइन जो चिप के कारण प्लेस होता है उसे चिप मार्क कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक टर्म सब है। डायगोनल, इम्प्रॉपर सीजनिंग के कारण ये डायगोनल ग्रेन डेवलप होता है, ठीक है। टॉर्न ग्रेन, टॉर्न ग्रेन क्या होता है, जैसे कोई टूल है वर्क कर रहा है, जो मेरा पार्ट बना हुआ है उस पर अगर मैन्युफैक्चर जो टिम्बर पर है उस पर गिर गया तो स्मॉल डिप्रेशन दे देता है, मतलब गड्ढा थोड़ा सा बना देता है, उसे हम लोग टॉर्न ग्रेन बोलते हैं। और वेन क्या होता है, वेन होता है मेरा ओरिजिनल राउंडेड सरफेस, जो मैन्युफैक्चर पीस पे प्रेशर लगाता है उसे हम लोग वेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फंगी के कारण तो बेसिकली दो होता है, ड्राई रॉट और वेट रॉट, लेकिन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लू स्टेन क्या है, इसमें देख लेते हैं। ब्लू स्टेन, ब्लू स्टेन है स्टेन ऑफ ब्लूइश कलर, ये प्रोड्यूस करता है। ब्राउन रॉट, ब्राउन कलर ड्यू टू सेलुलर रिमूवल, ठीक है। ये दोनों खास इंपॉर्टेंट है, ये तो नाम से क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्राई रॉट एंड वेट रॉट, ठीक है। ड्राई रॉट क्या होता है, ये लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है और अनसीजनड वुड, मतलब ठीक से लकड़ी को नहीं सुखाया गया उसकी वजह से, ठीक है। हॉट रॉट, हॉट रॉट के ये भी एक डिफेक्ट, फंगी का डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि ब्रांच ट्री से बाहर निकल जाता है और वीक और हॉलो हो जाता है, मतलब खोखला हो जाता है। वेट रॉट क्या होता है, वेट रॉट है अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन के कारण वेट रॉट आता है। ओके, अब फंगी में है कि फंगी क्या करता क्या है, फंगी में फंगस जो है हमारा वो फाइबर का फाइन फाइबर को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है और टिम्बर इसके कारण अपना स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे कि वो अनसीजन वुड के कारण जो फंगस डिफेक्ट होता है, तो सीजनिंग देख लेते हैं। सीजनिंग होता क्या है, सीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट, ये प्रोसेस है मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने का। अब मॉइस्चर प्रेजेंट कहाँ रहता है, मॉइस्चर होता है वो सैप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बिटवीन हॉट वुड एंड कैम्बियम लेयर, मैंने दिखाया था कितना लेयर होता है, तो हॉट वुड और कैम्बियम लेयर के बीच में जो सैप प्रेजेंट रहता है उसमें वो मॉइस्चर को निकालता है ऑफ टिम्बर। और मॉइस्चर निकालने से क्या मेरा हो गया फ़ायदा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से बचा लिया हम लोग अपने टिम्बर को और सूटेबल फॉर यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग, हम लोग सीजनिंग करते क्यों हैं, श्रिंकेज, ब्रैपिंग, ये प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब के लिए। ओके, इंक्रीज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, वेट को रिड्यूस करता है। एसएससी जेई का एक क्वेश्चन है कि वेट को क्या इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ये तो रिड्यूस करता है, ठीक है। रिड्यूस करता है टेंडेंसी ऑफ स्प्लिट एंड डीके। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अब कि वेल सीजन पीस ऑफ वुड का कितना मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए, 10 से 12%, यहाँ पर लिखा है 10 से 12%, ठीक है। अब इसमें होता है एक लास्ट टॉपिक है सॉइंग, सॉइंग मतलब काटते हैं हम लोग कैस किस तरह से, उस पर ऑर्डिनरी सॉइंग, ऑर्डिनरी सॉइंग में हम लोग क्या होता है, ये क्विक और फास्टेस्ट मोड होता है काटने का, लकड़ी काटने का। इसमें होता है सॉकेट, होता है सॉकेट जो बनाया जाता है एनोड लिंक के, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें कट अ टेंजेंशियल टू ईच रिंग होता है, प्रीफर्ड वेन सेक्शन डिस्टिंग, उसके टेंजेंशियल सॉइंग में क्या हो गया, कट आर मेड टेंजेंशियल टू ईच रिंग। कब हम लोग कब यूज करते हैं, जब सेक्शन का एनुअल रिंग अलग अलग हो, ठीक है। रेडियल सॉइंग में क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में हम लोग कट करते हैं पैरेलल टू मेडुलर रे, जिसके कारण क्या होता है मेरा मेडुलर रे पूरा आ जाता है, तो ये कंपेरेटिवली स्ट्रांग सेक्शन होता है। लेकिन जिसके कारण इसमें होता है कि हमारा वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सॉइंग एक फोर्थ टाइप का भी है, वो है क्वार्टर, क्वार्टर सॉइंग। क्वार्टर सॉइंग में क्या होता है, सॉकेट को राइट एंगल पे हम लोग बनाते हैं ईच अदर, जैसे ये हो गया तो राइट एंगल, फिर इधर राइट एंगल, ठीक है, ऐसे सॉकेट बनता है। ये कब एडॉप्ट किया जाता है, जब इनडिस्टिंक्ट मॉडुलर रे हो। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड मेनली बनता है किससे है? ये हमारा टिक वुड से बनता है। इसमें क्या होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा वेनर्स ऑड नंबर में होते हैं, वो प्लेस्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर एट राइट एंगल। यहाँ इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है राइट एंगल। राइट काइंड ऑफ प्लेसिंग होता है। और राइट काइंड ऑफ प्लेसिंग से क्या होता है मेरा फ़ायदा? राइट काइंड ऑफ प्लेसिंग मेरा इंक्रीज कर देता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ प्लाईवुड। ओके, अब इसमें होता है कि प्रेशर जो हम लोग प्लाईवुड बनाने में लगता है वो वैरी करता है 70 से 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और एक क्वेश्चन आया था कि थिकनेस क्या होता है? अगर थिकनेस ऑफ थ्री प्लाईवुड वो कितना होगा? नियरली 3 mm के आसपास होगा। ओके, और प्लाईवुड में एक्सपेंशन या श्रिंकेज बहुत लो, बहुत बहुत लो होता है। वो क्यों? क्योंकि ये ग्लूड किए जाते हैं, मतलब गोंद, मतलब एक दूसरे से हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, गोंद लगा के चिपकाना, तो ग्लूड अंडर प्रेशर। ठीक है, और प्लाईवुड स्पेसिफाइड किससे होता है? वेट से होता है, थिकनेस से होता है, नंबर ऑफ लेयर, ये नंबर ऑफ लेयर से होता है स्पेसिफाई। और परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर फॉर प्लाईवुड कितना है? 8 से 16%। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कॉमनली अवेलेबल टिम्बर हम लोग के पास कौन सा है। सबसे पहला है शीशम। शीशम हार्डवुड है, ये सबको पता होगा शीशम के बारे में। ये फर्नीचर, गुड फर्नीचर, ब्रिज पिलर पाइल्स, ब्रिज पाइल्स, इट इज, ये सब बहुत सारे काम में शीशम का यूज होता है। सेकेंड है बबूल। बबूल होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। बेंटिक, बोट कंस्ट्रक्शन जो होता है, नाव बनता है उसमें बेंटिक का लकड़ी यूज होता है, बेंटिक। ड्यूडर, ड्यूडर हो गया रेलवे का स्लीपर, जो हम लोग देखते हैं रेलवे पे, रेलवे पटरी पे स्लीपर, वो ड्यूडर के लकड़ी का होता है। और जैक लास्ट जो है जैक, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैक से बना होता है। सो हियर इट्स एंड ऑफ आवर चैप्टर, होप यू लाइक दैट।